वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा एक तरह का पहला वॉइस ओवर है इस गेम के साथ। गेम मैंने बहुत खेले लेकिन वॉइस ओवर पहली बार कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो थी वो विदेशों की थी और मैं इंडिया से हूं, इसलिए अब मैं अपनी भाषा में इसको स्ट्रीम को गेम स्ट्रीम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है और मेरे चैनल मोनेटाइज सिर्फ मुझे 100 घंटों की जरूरत है। 3900 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी गेम का स्टार्टिंग फेज ही है। और यार ये मेरी कार फंस गई है, कार को निकालना पड़ेगा। निकालने की एक ट्रिक मुझे आती है, देखते हैं शायद वो काम करे। ड्रिफ्ट करके क्या ये निकल पाएगी? निकल गई। तो इस गेम में पूरा सपोर्ट कीजिएगा आप, और मैं अपने कंटेंट को कैसे अच्छा कर सकूं इन सब के आप सजेशंस मुझे देते रहेंगे, तो मैं अपने गेम को और भी अच्छा बनाऊंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। फिलहाल एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे चैनल पे GTA सैन एंड्रियास पे व्यूज आते हैं, GTA 5 पे व्यूज नहीं आते हैं। इसका लॉजिक मुझे भी नहीं समझ में आया। तो मैंने हार थक के अब सोचा यार गेम स्ट्रीम में, मतलब गेम में जो वॉइस ओवर है वो भी करते हैं, वॉइस ओवर जब करेंगे तो हो सकता है गेम कुछ अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद से मैंने इसमें अपनी वॉइस ओवर करने की सोची। और क्योंकि पहला मैंने एक आध बार और किया हुआ है लेकिन उतना क्लियरली साउंड नहीं हुआ है, और इस समय भी कैसा साउंड है ये मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो देखता हूँ। और जिस तरह का भी रिस्पॉन्स रहे आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट मुझे इंस्पायर करेंगे आगे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास अभी कोई गेम की लिए स्टोरी तो नहीं है, गेम की खुद की जो स्टोरी है उसके अनुसार मैं चल रहा है। जैसा कि है मुझे चीट कोड लगाना पड़ेगा, कार डैमेज हो चुकी है और कार रिपेयर कहाँ कराऊँ। तो गेम में मॉड्स वगैरह भी बहुत कुछ होते हैं लेकिन अभी तक मुझे मॉड्स वगैरह के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। मैंने ट्राई किया था तो मुझे पता चला 2-4 सॉफ्टवेयर अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। मैंने उन मॉड से यूज नहीं किया, हो सकता है आने वाले समय में मैं उन मॉड्स को करूँ ताकि थोड़ा लुक वाइज गेम अच्छा हो जाए, क्योंकि गेम में थोड़ा सा उदासीपना लगता है और जब लुक अच्छा हो जाएगा गेम का तो डेफिनेटली गेम और अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल थंबनेल के लिए तो मैंने ट्राई कर लिया है, तो थंबनेल तो मैं सुधार रहा हूँ लेकिन वैसे आप देखेंगे गेम वाइज तो उतना इम्प्रूवमेंट अभी नहीं हो पाया है, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप गेम को एंजॉय करें। मैं एक मिशन ले चुका हूँ, इस मिशन में मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस बंदे के साथ जाना है। एक बंदा आएगा मेरे साथ और उसके साथ जाके लोगों को गोलियां मार के बाइक लूटनी है, सिर्फ इतना सा काम है। लेकिन अब उसके लिए कितना बड़ा काम है वो अभी आपको देखना होगा। तो हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, और एक तो मुझे GTA 5 में एक चीज ये देखने में मिलती है कि अगर आप मिशन पार करते समय कोई क्राइम वगैरह कर देते हैं वांटेड लेवल, तो ना तो आप मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब मिशन के बीच में नहीं लेकिन मिशन लेने समय और मिशन कंप्लीट करने के बाद। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो है जा रहे हैं गेम का मिशन पार करने के लिए, और सबसे पहले इस लोकेशन पे पहुंचते हैं। लोकेशन पे पहुंच के उनको शूट करना है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई गन नहीं है लेकिन जो हमारे साथ बंदा बैठा है ये हमें गन प्रोवाइड कराएगा। यार कार थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, कार को कंट्रोल करना अभी सीखना होगा। देखो GTA 5 बहुत रियलिस्टिक वे में चलता है ना, ओहो ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो आप शीशा तोड़ के बाहर निकल जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो बहुत ही रियलिस्टिक गेम लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पर्सनली पसंद आता है गेम। बाकी के जो GTA थे पुराने उस समय के हिसाब से ठीक थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। जैसे सैन एंड्रियास तो फिर भी मैं खेल लेता हूँ, लेकिन जब GTA 5 को देखते हैं तो यार ना तो GTA Vice City समझ में आता है, ना ही सैन एंड्रियास। आज GTA 3 खेला उसको भी नहीं समझ में आया। फिलहाल हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से हमें मार कुटाई करनी है लोगों की। चलो यहीं पे करते हैं लोगों की मार कुटाई, फटाफट चलते हैं। अच्छा ज्यादा स्पीड में जाएंगे ना तो मिशन फेल हो जाएगा, तो लोग देख ना ले आपको। तो लिखा ना फॉलो लमार, लमार आ जाओ भाई, लमार लमार लिनर जो भी नाम है इसका, आ जा भाई आ जा। आराम से चलेंगे, एकदम काम हो, स्पीड में चलेंगे ना। एक बार मैं स्पीड में भाग रहा था तो कोई देख लिया तो दिक्कत हो गई। अभी इसको मारेगा, मारा नहीं है इसको, थोड़ा सा हड़काया है, चुप रहने के लिए कहा है। हम भी इसके साथ साथ चलेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, धीरे 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 धीरे। पीछे से देख ले, पीछे से वो आदमी अंदर चला गया है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, एक कार वाला, ये भी देख लेते हैं, पहचान जाते हैं ना तो इन्फॉर्म कर देते हैं, मिशन फेल हो जाता है। मिशन को पास करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सीक्रेसी, बहुत जरूरी है। तो सीक्रेसी के लिए इसी की लमार के पीछे चलते रहिए आप, फॉलो लमार, लमार लमर लैमर। चलो अब जो है यहाँ पे दरवाजा खोलना है, पहले ये देखना यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पे पहुंच गए, अब ये इंस्ट्रक्शन आएगा तब आपको यहाँ पे दरवाजा खोलना है। लिखा ना सर्च द गैराज, अब ये बंदा ने खोल दिया गैराज। तो स्टोरी हटा के मैं ये देखिए गन मिल गई हम लोगों को, ओहो ये देखिए इस बंदे को गोली से उड़ा देना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, निशाना अच्छा होना चाहिए, उड़ा देता हूँ। आगे बढ़ो, हालांकि छिप के उड़ाना चाहिए, ये उड़ा दिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तो उड़ा दिया, टंकी उड़ा दी है, और यहाँ पे छिपा हुआ है थोड़ा सा, यार मुझे हिडन रह के मारना अच्छा नहीं लगता है। चलो फिर भी हाइड हो जाए थोड़ा सा, इधर हिडन हो गए हम, ऐसे चुन चुन के मारना है बेसिकली। अभी कोई दिख तो नहीं रहा है कि गणित इसमें छिपा है, ये है क्या, हाँ ये है। तो पहले हम यहाँ से उठ के उस पार जाते हैं, चलो यहाँ ठीक है, लोकेशन तो ये ठीक है, लेकिन दुश्मन कहाँ है यार। अच्छा कार के पीछे, अब यहीं से लोग निकल के आएंगे। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ते हुए मारूँ सबको तो चलेगा। अच्छा एक बार देखता हूँ कि ये टूलक काम करता है क्या इसमें, यार कमाल करते हो, टूलक काम कर रहा है तो मैं रॉकेट चलाया ना सालों को, टूलक काम कर रहा है भाई। हाँ मैं भी फालतू जो है भाई, कहाँ है तू, मेरा साथी कहाँ है यार, ओहो स्टिंग दे रहे हैं। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि यार वो कहाँ गया,
वो चला गया था वापस और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ उसको। एक्चुअल में दुश्मनों को तो हमने पहले खत्म ही कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब हमें जल्दी से उसे पकड़ना है। देखो भाग गया, मिशन फेल्ड हो गया यार।